हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद IIT BHU से पास आउट हूं इन द ईयर 2012 और मैं पिछले 7 साल से इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूं और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया हूं। तो चलिए हम लोग अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए ईथर के बारे में कुछ बेसिक सी बातों को जानते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात ये है कि ईथर कैसे बनता है। ऑक्सीजन जो होता है वो डाईवेलेंट एटम होता है, मतलब कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। अब ये दो बॉन्ड किससे बनाता है वही डिसाइड करता है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा। अगर ऑक्सीजन दोनों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर। तो दैट इज़ द केस ऑफ वाटर। अगर ऑक्सीजन एक तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ता है देन दैट इज़ द केस ऑफ एल्कोहल। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। और जब ऑक्सीजन को हम लोग दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से जोड़ते हैं देन दिस विल बिकम द ईथर ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि ईथर में ऑक्सीजन जो होता है वो दो कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है एंड दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द ईथर ग्रुप। ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू एल्किल ग्रुप आर टर्म्ड एज ईथर। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो ये एक फंक्शनल आइसोमर है। किसका फंक्शनल आइसोमर है? एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है। जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है CH3, CH2 और OH। ऑक्सीजन को हमने किस में भेज दिया? टर्मिनल पोजिशन पर भेज दिया। और जब ऑक्सीजन को हम लोग टर्मिनल पोजिशन पर भेजते हैं तो यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। वहीं अगर हमने ऑक्सीजन को बीच में लगा दिया, किसके बीच में लगा दिया? कार्बन के बीच में लगा दिया, मतलब कि ये इंटरमीडिएट पोजीशन आ गया। कौन सा पोजीशन? इंटरमीडिएट पोजीशन आ गया। तो इंटरमीडिएट पोजीशन में हमें अल्कोहल ना मिलकर हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा ईथर ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अगर एल्कोहल बन रहा है तो हम एल्कोहल को यूज़ करके ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक और बात है, दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है। सिंपल सी बात है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है वाटर के रिमूवल से। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक एल्कोहल मॉलिक्यूल लिया है और इसके साथ दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल ले लिया है और यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। और रिएक्शन में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और जब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा -H2O हम लोग लिखना नहीं भूलेंगे और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ROR मिलेगा। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ टू एल्कोहल मॉलिक्यूल विल गिव दी ईथर मॉलिक्यूल। सो इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। ईथर में भी क्लासिफाइड है। अगर क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो ईथर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है क्या? अनसिमेट्रिकल ईथर के तौर पे जानते हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ में आ रहा है। सिमेट्रिकल कौन सा होता है? अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम हो जाए। एल्किल ग्रुप क्या हो जाए? सेम हो जाए। सेम एल्किल ग्रुप। तो ऐसे ईथर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? सिमेट्रिकल ईथर का नाम देंगे। वहीं पर अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप डिफर कर जाए, R हो जाए और R- हो जाए, डिफरेंट एल्किल ग्रुप, क्या लिख देंगे बेटा? डिफरेंट एल्किल ग्रुप। और जब डिफरेंट एल्किल ग्रुप लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बन जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दो तरह का ईथर होता है, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ये हो जाता है स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बात, जो कि कॉमन सी बात है स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, उसको अच्छी तरीके से आप लोग पहचानते भी हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक मिनट का समय देता हूँ। बी फास्ट। Thank you.
चलिए आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है। अगले स्लाइड में और कुछ नहीं है, अगले स्लाइड में हमारा है क्विज है, तो दैट इज द क्विज पार्ट। अच्छा ये मिटा नहीं, क्यों नहीं मिटा? तो एक क्विज है, क्विज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर आपको नॉमेनक्लेचर करना है और चार मॉलिक्यूल हमने आपको दिया है और इस चारों मॉलिक्यूल का आपको नॉमेनक्लेचर करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। तो चार स्ट्रक्चर है और चारों स्ट्रक्चर किसका है? ईथर का है। देखिए ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन, ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर दो कार्बन है और साइक्लिक भी है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन है। तो इन चारों मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करिए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग का नॉमेनक्लेचर पार्ट कितना अच्छे से आपने किया है। बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें या फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन की बात करें, हर एक एग्जामिनेशन में नॉमेनक्लेचर पार्ट पूछा जाता है। बोर्ड में तो कंटिन्यूअस पैटर्न पे पूछा जाता है, पर हम अगर बात करते हैं कंपटेटिव एग्जामिनेशन पर, तो कंपटेटिव एग्जामिनेशन में भी हमें बार बार हर साल दो साल पर नॉमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ दिया जाता है। और सबसे पहले सवाल ये है कि नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको जानना चाहिए कि ईथर का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कैसे होता है। ईथर का नॉमेनक्लेचर करने का तरीका होता है एल्कोक्सी एल्केन, दैट इज द जनरल वे ऑफ राइटिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, एल्कोक्सी एल्केन। मतलब कि एक एल्किल ग्रुप ऑक्सी के साथ जाएगा और एक एल्किल ग्रुप जो है एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, एल्कोक्सी। और ऑब्वियस ही बात है कि ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल ग्रुप है, अगर दो एल्किल ग्रुप है तो अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से एल्किल ग्रुप को एल्कोक्सी के नाम से जानेंगे और कौन से एल्किल ग्रुप को हम लोग एल्केन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर अगर जो एल्किल ग्रुप छोटा होता है वो ऑक्सी वाला नाम बनाएगा और जो एल्किल ग्रुप बड़ा होता है वो एल्केन वाला नाम बनाएगा। पर यहाँ पे देखें इस केस में दोनों एल्किल ग्रुप क्या है? सेम है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तो आपके पास ऑप्शन है कि किसी को भी आप ऑक्सी वाला नाम बना देंगे, किसी को भी आप एल्केन वाला नाम बना देंगे। तो यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, दैट विल बी कॉल्ड एज इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे दो कार्बन का हमें मिल जाएगा पेरेंट चेन और यहाँ पे आपका नाम बन गया एल्कोक्सी, तो इथॉक्सी इथेन। बी वाले में देखेगा, बी वाले में अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप एक छोटा है और एक बड़ा है। यहाँ पर बड़ा वाला एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर छोटा वाला एल्किल ग्रुप है, तो जो बड़ा वाला एल्किल ग्रुप है वो बनाएगा पेरेंट चेन, तीन कार्बन का पेरेंट चेन, और जो छोटा वाला एल्किल ग्रुप है वो नाम बनाएगा एल्कोक्सी वाला। तो इसके इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले एल्कोक्सी लिखेंगे तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। क्या हो जाएगा बेटा? इथॉक्सी। अब यहाँ पे पेरेंट चेन देखिए, पेरेंट चेन तीन कार्बन का है और नंबरिंग किया जाए तो दूसरे कार्बन पर एल्कोक्सी ग्रुप है, तो इथॉक्सी के बाद हम लोग लिखेंगे, या इथॉक्सी को पहले हम लोग प्रीफिक्स लिख देंगे टू इथॉक्सी, और यहाँ पे तीन कार्बन का पेरेंट चेन तो प्रोप, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया टू इथॉक्सी प्रोपेन। टू इथॉक्सी पोजीशन को दिखाया, इथॉक्सी ग्रुप को। यहाँ पे देखिए एक तरफ आपका बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक तरफ आपका एल्किल ग्रुप दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, और क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप छोटा है तो इस वजह से ये नाम बन जाएगा एल्कोक्सी, तो यहाँ पे नाम बन जाएगा मिथॉक्सी से नाम स्टार्ट होगा, हमने लिख दिया मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी के बाद हमने यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट चेन, बेंजीन का पेरेंट चेन बनेगा और बेंजीन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन का हर एक कार्बन इक्विवेलेंट होता है, इसी वजह से मिथॉक्सी की पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बेंजीन का हर एक कार्बन कैसा होता है बेटा? इक्विवेलेंट होता है, तो यहां पर मिथॉक्सी का नाम लिखना कोई जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए ये केस है साइक्लिक ईथर का, और साइक्लिक ईथर के केस में हमें नाम लिखने का बहुत तरीका पता है, अलग अलग तरीके से नाम लिख सकते हैं। जैसे कि इसका अगर एक नाम लिखेंगे तो एपॉक्सी वाला नाम लिखेंगे, और जब एपॉक्सी वाला नाम लिखेंगे तो चार कार्बन का हमें पेरेंट चेन मिल जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, तो नाम इसका हो जाएगा 2, 3 एपॉक्सी, 2, 3 एपॉक्सी। बता रहा है कि दूसरे और तीसरे कार्बन पर साइक्लिक ईथर है एपॉक्सी, और चार कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूटेन, तो नाम हो गया 2, 3 एपॉक्सी ब्यूटेन। अब सवाल यह है कि क्या इसका कुछ और नॉमेनक्लेचर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसके ढेर सारे नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं। जैसे कि एक नाम इसका बनता है ऑक्सीरेन वाला,
और जब ऑक्सीजन वाला बनेगा तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1.2 और ये डाई मिथाइल और ऑक्सीजन, डाई मिथाइल ऑक्सीजन 1.2 डाइमिथाइल ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीजन CH2, ये भी CH2, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीजन। तो क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीजन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ऑक्सीजन वाला नाम बनेगा। और क्या है यहां पर, अगर इसको हम लोग पहला कार्बन बोलते हैं, इसको दूसरा कार्बन बोलते हैं, तो पहले कार्बन पर मिथाइल है और दूसरे कार्बन पर भी क्या है बेटा, मिथाइल है। हम कलर दूसरा चेंज कर देते हैं, ये आपका क्या हो गया ऑक्सीजन वाला ग्रुप, और ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा। 1 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, तो हो गया 1,2-dimethyl और नाम हो गया ऑक्सीजन। तो ये एक और तरीका है ऑक्सीजन का नॉमेनक्लेचर कर ईथर का, साइक्लिक ईथर का नॉमेनक्लेचर करने पर। एक और इसका एक और तरीका है ऑक्सा के नाम हम लोग कर सकते हैं ऑक्सा। अगर ऑक्सा का नाम लेते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं, मार्कर को हम चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सा के केस में ऑक्सीजन को हम लोग कार्बन की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो नाम यहाँ पे लिखेंगे 2.3-dimethyl, 2.3 यहाँ पे डाइमिथाइल, 2.3-dimethyl। और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम लोग लिखेंगे साइक्लो, टू कॉमा थ्री डाइमिथाइल साइक्लो ऑक्सा और ये हो जाएगा प्रोपेन, साइक्लो ऑक्सा प्रोपेन। ऑक्सा वाले केस में ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सा वाले केस में हम लोग ऑक्सीजन को कार्बन की तरह ट्रीट करते हैं, और जब ऑक्सीजन को कार्बन की तरह ट्रीट करेंगे तो यहां पर 3 कॉर्नर का रिंग बन गया, तो इसलिए हमने यहां पर नाम दिया प्रोपेन। और क्योंकि ये साइक्ला है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो हो गया और ऑक्सा प्रोपेन। ऑक्सा बता रहा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक कॉर्नर जो है वो ऑक्सीजन का है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर देख लिया, चौथा स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। साइक्लिक ईथर को हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको ऑक्सा का नाम दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको नॉर्मल वे में भी नाम कर सकते हैं, अगर चाहें तो उसको ऑक्सीजन या ऑक्सीटेन टाइप ऑफ नाम भी दे सकते हैं। सो दैट इज द नॉमेनक्लेचर पार्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम अगले स्लाइड पर मूव करेंगे। आई होप नोट कर लिया होगा, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपके लिए क्या लाया है। ओके क्विज, एक और सवाल है, और सवाल क्या है, विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर डज ईथर शो, ईथर किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर देता है। हम जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का दूसरा नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और बच्चों बच्चों को पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है, ये अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहला होता है चेन आइसोमर, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, तीसरा क्या होता है चेन पोजीशन, फिर एक हम लोग लिखते हैं रिंग चेन आइसोमर, क्या लिख सकते हैं बेटा रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन के पास हम लोग लिख देते हैं फंक्शनल आइसोमर, और फंक्शनल आइसोमर के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर के बाद होता है मेटामर या मेटामेरिज्म, और मेटामेरिज्म के बाद हमें मिलता है यहाँ पर टॉटामेरिज्म। तो ये तो आपका पूरा नाम हो गया कि अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या क्या होता है, ये 6 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, चेन पोजीशन रिंग चेन फंक्शनल मेटामेरिज्म एंड टॉटामेरिज्म। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा आइसोमेरिज्म ईथर शो करेगा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें कौन कौन सा बनेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईथर जो है यहाँ पे आपको पोजीशन आइसोमर देगा, ईथर जो है वो
पोजीशन आइसोमर दिख सकता है। कैसे देखिएगा, पोजीशन आइसोमर कैसे बनेगा अगर करेंगे तो एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है CH3O, बाद में CH2 और CH3 लिखेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं CH3O, फिर CH, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, ये दोनों एक दूसरे के हो गए हैं क्या, पोजीशन आइसोमर। कैसे पोजीशन आइसोमर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पैरेंट चेन 3 कार्बन का है, यहाँ पे भी पैरेंट चेन 3 कार्बन का है, यहाँ पे पैरेंट चेन के पहले कार्बन से एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पैरेंट चेन के दूसरे कार्बन से एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर। क्या यहाँ पे आपको फंक्शनल आइसोमर मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था CH3CH2 और यहाँ पर OH, और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिख सकते हैं CH3O और CH3। तो यहाँ पर एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए। क्यों फंक्शनल आइसोमर हो गए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला एल्कोहल है और नीचे वाला ईथर है, तो फंक्शनल आइसोमर भी मिलेगा। क्या यहाँ पे मेटामेरिज्म मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा। मेटामेरिज्म इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ईथर ग्रुप। जैसे कि मेटामेरिज्म की बात करा जाए, सबसे पहले मेटामेरिज्म को हम लोग समझ लेते हैं कि मेटामेरिज्म होता क्या है। मेटामेरिज्म जो है वो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है जिसके डाइवेलेंट एटम के दोनों तरफ, या ट्राइवेलेंट भी हो सकता है, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट, मोनोवेलेंट कभी भी मेटामेरिज्म को शो नहीं करता है। तो डाइवेलेंट एटम के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या चेंज कर रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इधर हम लिख देते हैं CH3O और यहाँ पे हो गया C3H7, ईथर है, और दूसरा हो गया C2H5O और ये हो गया C2H5। ये दोनों की दोनों एक दूसरे के मेटामेरिज्म है। क्यों मेटामेरिज्म है? क्योंकि यहाँ पे एल्किल ग्रुप में 3 कार्बन है, यहाँ के एल्किल ग्रुप में 1 कार्बन है, यहाँ के एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है, और दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है बेटा, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये मेटामेरिज्म कर रहा है, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या डिफर कर रही है, कार्बन एटम की संख्या डिफर कर रही है। तो ईथर जो है पोजीशन आइसोमर को शो कर सक सॉरी हाँ पोजीशन आइसोमर को शो कर सकता है, फंक्शनल आइसोमर को शो कर सकता है, और मेटामेरिज्म को शो कर सकता है। समझ में आई बात? मेटामेरिज्म को शो कर सकता है, ये कॉमन सा है, नोट कर लीजिएगा और इनफैक्ट टिक कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी से मैंने यहां पर आपको कुछ बातें जानने के लिए लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट देखिएगा कि यहां पर अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, मतलब कि जो सबसे सिंपलेस्ट दो ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिथाइल और इथाइल है, सबसे सिंपलेस्ट ईथर है वो क्या होता है, गैस के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद रेस्ट और कलरलेस लिक्विड, बाकी सब क्या होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। रेस्ट ऑल आर कलरलेस लिक्विड। अगर बात किया जाए स्मेल का, तो दे हैव अ करेक्टरिस्टिक स्मेल दैट इज कॉल्ड एज इथरल स्मेल। यहाँ पे इथरल स्मेल होता है, क्या होता है बेटा, इथरल स्मेल, एकदम अजीब तरीके का यहाँ पे महक आता है। और यहाँ पे अगर सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है यहाँ पर होता है, इथर मॉलिक्यूल सॉल्युबल होता है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो भी कौन सा, लोअर ईथर। अगर हम लोअर ईथर की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3O CH3, और हम इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वाटर में अच्छे से ये डिसॉल्व करेगा। क्यों वाटर में डिसॉल्व करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना बन रही है, तो इस वजह से यहाँ पर ईथर को मानते हैं कि ये सॉल्युबल होता है वाटर में। पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बट एज द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस,
बट एज द एल्किल ग्रुप साइज की बात कर लेते हैं, साइज इंक्रीजेज, तो इस केस में सॉलिबिलिटी की अगर बात किया जाए, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज, सॉलिबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। ये बड़ा जानने वाली बात है कि जो छोटा वाला ईथर होता है, छोटे इथरल जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी वाटर में सॉलिबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बनता है। पर जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बड़ी करते जाएंगे, कार्बन एटम की संख्या को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो सॉलिबिलिटी जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका सीधा सा रीज़न क्या है कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप जो होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर होता है। और जब ये नॉन पोलर होता है तो इस वजह से बड़े वाले जो ईथर मॉलिक्यूल हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। अगर बात किया जाए बॉइलिंग पॉइंट, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करके बात करें कि अल्कोहल और एल्केन से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब सेम एटमिक मास का। तो अगर हम लोग ईथर को, एल्कोहल को, वाटर को, तीनों चीज में ऑक्सीजन मौजूद है, एक तरफ ऑक्सीजन में दो हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन में एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल एल्किल ग्रुप है, तो दोनों ही केस में हम लोग देखते हैं, या तीनों केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट काफी डिफर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर वाटर की बात करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अच्छा होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसका, एल्कोहल का, तो एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट उससे खराब होती है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ईथर का, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे खराब होती है। ये किसका ट्रेंड मैंने लिख दिया, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लिख दिया। और कैसे यहाँ पर हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर केवल क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक तरफ एल्किल ग्रुप है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों तरफ कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप है। तो जब यहां पर हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अच्छे खासे अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या अच्छी हो जाती है। और जैसे जैसे यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या खराब होने लगती है, किसकी वजह से, एल्किल ग्रुप की वजह से, तो एल्किल ग्रुप की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में कमी आने लगती है। और हम लोग बोलते हैं कि एल्कोहल से अगर कंपेयर करते हैं तो, वाटर से अगर कंपेयर करते हैं तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट खराब होता है, थोड़ा सा बेकार होता है। पर फिर भी अल्कोहल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी अभी भी अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इथेनॉल की बात करते हैं, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पर वहीं अगर हम ईथर की बात करते हैं, तो ईथर में कोई भी ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी हद तक घट जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है, यहां पर हम लोग बोलते हैं नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी खराब हो जाता है। एक बात यहां पर आता है बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर, कि अगर हम किसी भी ईथर मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर एल्किल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अगर हम ऑक्सीजन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और sp3 होने के नाते यहाँ पर एंगल बनना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या 109 डिग्री 28 मिनट का यहाँ पर एंगल होता है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल यहाँ पर नहीं होता है, एंगल नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो एंगल होता है दैट इज़ ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, ग्रेटर देन क्या हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब कैसे ये ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है, तो उसको जस्टिफाई करते हैं हम लोग किससे, एक मिनट, यहाँ पर H नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें R लिखना है। तो हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये एल्किल ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप है और दोनों के बीच में लगता है स्टीयरिक हिंड्रेंस, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एल्किल ग्रुप को एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वहाँ पर अंदर का जो बॉन्ड एंगल है, जिसको कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ जाता है, लगभग 110 डिग्री या 111 डिग्री पर जाकर अटक जाता है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि थोड़ा सा बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, स्टेट हो गया, स्मेल हो गया, सॉलिबिलिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और
एंगल हो गया ईथर में। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, एक मिनट का समय देते हैं। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, प्रिपरेशन पार्ट देख लेते हैं कि यहां पर ईथर को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है प्रिपरेशन वाला रिएक्शन और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी वाला रिएक्शन। प्रिपरेशन वाला रिएक्शन का मतलब यह होता है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी वाला जो रिएक्शन होता है या मैकेनिज्म होता है वो ये बताता है कि एक केमिकल कंपाउंड से हम लोग क्या क्या चीज़ और बना सकते हैं। मतलब कि आने का तरीका हमें पता होना चाहिए और जाने का तरीका पता होना चाहिए, यही दोनों चीज़ आपके केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। और हमें यही करना है कि केवल हमें फोकस करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप एनालाइज करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एकदम अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी तरीके से वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होती है। हम एल्केन एल्कीन एल्काइन को अलग अलग तरह के कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, अगर हमारा मन है तो हेलो एल्केन में चेंज कर सकते हैं, अगर हमारा मन है तो एल्कोहल में चेंज कर सकते हैं, फिनॉल में चेंज कर सकते हैं, ईथर में चेंज कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स किसी में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो रिएक्शन होता है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। पर जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं, जैसे कि जब हम लोग दूसरे फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में कुछ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एल्केन एल्कीन एल्काइन से कॉमन हो जाता है। मतलब कि उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है कुछ, वो हेलो एल्केन हेलो एरिन का केमिकल सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है, तो इस वजह से कुछ रिएक्शंस कॉमन होने लगते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो कॉमन रिएक्शन की संख्या और भी बढ़ने लगती है, और फाइनली हम लोग देखते हैं कि अंतिम वाले फंक्शनल ग्रुप में जाकर, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो उसमें देखते हैं कि रिएक्शन पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इसका जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है और जितना भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है सब कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके होते हैं। इसी कभी हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, कभी हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ चुके हैं, कभी एल्कोहल फिनॉल ईथर में, और कभी कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो वहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो मेहनत जो करना है वो आपको स्टार्टिंग में करना है और अच्छे से करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री चेंज करती रहती है, मेहनत आपका धीरे धीरे आसान होता जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि ईथर को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम लोग ईथर को अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं, सबसे बेसिक सा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ईथर आर द एनहाइड्राइड ऑफ द अल्कोहल, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और अल्कोहल से हम लोग ईथर बनाएंगे। तो अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं। इसके साथ बेटा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं। मार्क करिएगा कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर हमने गलती से भी ज़्यादा ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने टेम्परेचर 443 केल्विन या इससे ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ पर ईथर की वजह हमें यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 443 ले लिया तो ईथर की वजह हमें क्या मिलेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन मिल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है क्या, टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पर ईथर का फॉर्मेशन होता है, कम टेम्परेचर पर क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर ROH की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3OH ले लिया और फिर हमने क्या कर दिया CH3OH ले लिया, और जब दोनों को लेंगे और दोनों को हम लोग किससे रिएक्ट कराएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर H2SO4 नहीं है तो आप लोग H3PO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस यह है कि टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए 413 केल्विन। तो इस केस में हमें मिल जाएगा CH3OCH3 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पर
हो जाता है. तो दैट इज द केस ऑफ एल्कोहल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर. नोट कर लीजिए इसको. इसी पे कुछ और चर्चा हम लोग करेंगे. कर लिया. ओके, आई होप कर लिया होगा. आसान सा था, बढ़िया. अब ये इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल एज द रिजल्ट इन एल्कीन फॉर्मेशन. अगर हमारे पास है क्या 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है, तो इस केस में यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यहां पर हमें ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टीयरिक हिंड्रेंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ले लिया CH3CH और फिर CH3, और इस केस में हम लोग क्या करते हैं OH का रिएक्शन, OH को हम लोग कर देते हैं 2 डिग्री हो गया. अगर इसको हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इस केस में अच्छा 413 केल्विन रखते हैं, तो इस केस में आपको एल्कीन मिलेगा CH3 और क्या मिलेगा CH डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2 एल्कीन. वैसे यहाँ पे एल्कीन भी मिल सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर ईथर भी मिल सकता है. अगर देखा जाए तो यहाँ पर ईथर का भी फॉर्मेशन हो सकता है. ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा, CH3CH और ये हो गया CH3 और फिर O हो गया, O के बाद यहाँ पर आ जाएगा CH फिर CH3 और नीचे हो जाएगा CH3, पर यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा और क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट. लगभग 80% एल्कीन बनेगा और लगभग 20% यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर अलग तरह का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. वहीं अगर हम लोग यहाँ पर टर्शरी एल्कोहल ले लें, टर्शरी एल्कोहल देखिए कार्बन 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 और यहाँ पर OH लगा दिया. अगर इस केस में हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, क्या लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, 413 केल्विन करते हैं, तो इस केस में हमें यहाँ पे मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 और ये पूरा का पूरा 100% हो जाएगा पूरा. मतलब कि यहाँ पे तो ईथर का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ. अगर टर्शरी एल्कोहल है तो टर्शरी एल्कोहल से आप थोड़ा सा भी ईथर नहीं बना सकते हो. सेकेंडरी एल्कोहल में थोड़ा सा ईथर बनेगा पर मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा वो एल्कीन रहेगा. पर अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो प्राइमरी एल्कोहल में आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल ईथर का फॉर्मेशन मिलेगा. जल्दी से नोट करिए इसको बच्चा लोग. अब सवाल ये आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें मिलना चाहिए ईथर और ईथर की बजाय यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एल्कीन भी मिल जाता है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है. तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहता है और किस वजह से यहाँ पर ईथर की जगह एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, इसी को हम मिटाते हैं और हम बात करते हैं मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म देखिएगा कि यहां पर ये रिएक्शन कैसे होता है. मैकेनिज्म जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये वाला लिया था CH3OH और इसको हम लोग क्या करते हैं कि H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं. H2SO4 का काम होता है मीडियम में H प्लस साइन देना, तो ये H प्लस साइन होता है और HSO4 माइनस साइन होता है, तो ये मीडियम को प्रोटोनेट कर देता है. और यही जो H प्लस आयन है, ये जो आपका H प्लस आयन दिख रहा है, यही H प्लस आयन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर जुड़ जाता है. मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑक्सीजन पर. जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑक्सीजन पर तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं OH2+, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया. इनफैक्ट ये जो इंटरमीडिएट है
ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आता है। क्या आ जाता है बेटा? पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्योंकि ऑक्सीजन तो अपने में ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर उसके ऊपर हमने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज, तो किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके द्वारा कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर डेवलप कर जाएगा। और ये पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर वाला जो कार्बन होता है वो किसकी तरह काम करने लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगेगा, कि मतलब कि वो एक न्यूक्लियोफाइल को अपने तरफ या न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने के लिए मौका देखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या होता है, कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या हो गया? OH2+ हो गया। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर है। ये क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये कौन सा सेंटर है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाता है। न्यूक्लियोफाइल है क्या बेटा? दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? सॉरी, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर जाकर इस कार्बन पे अटैक करता है। और जब ये इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके ऑक्सीजन पे चला जाता है। और जब ऑक्सीजन पे जाता है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CH3O, और यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा? CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर H है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस H+ आयन को निकालने के लिए बोलेगा और अपने ऊपर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जब अपने ऊपर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या? CH3O और CH3। इनफैक्ट अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो करा बेटा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया। याद करिएगा, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बाई मॉलिकुलरिटी का होता है, मॉलिकुलरिटी जिसकी दो होती है, क्योंकि यहाँ पर दो अटैकिंग रिजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो दोनों की दोनों जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल तो आपका ये है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों साथ साथ अटैक कर रहे हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म हो जाता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में हम लोग बात करते हैं किसकी? स्टीयरिक फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि स्टीयरिक फैक्टर ही डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितना तेज होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में किसी भी तरह का यहाँ पर स्टीयरिक फैक्टर नहीं लगता है, और जब यहाँ पर स्टीयरिक फैक्टर उतना अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? आसानी से अटैक कर जाता है। पर यहीं पर अगर हम लोग हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप लगाना स्टार्ट कर दें, मतलब कि 2 डिग्री कर दें, 3 डिग्री कर दें, 1 डिग्री कर दें, तो उस केस में 1 डिग्री को छोड़ देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री कर दें, तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। जब स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हिंडर्ड हो जाएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हिंडर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म ना होकर किसी और तरह का मैकेनिज्म होने लगता है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर देता है। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। कर लिया होगा बेटा, नोट कर लीजिएगा इसको, नोट करते रहिएगा बेटा, क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैकेनिज्म को समझ लिया, बाद में उस टाइप का जो रिएक्शन है आपसे एकदम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
एक और तरीका है जिससे कि हम लोग ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से ही बना सकते हैं, एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करिए, ईथर बन सकता है, और एल्कोहल को आप लोग कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करिए। यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग क्या लेंगे, Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग लेंगे। जब Al2O3 लेते हैं तो यहाँ पर एल्कोहल का दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर ईथर का मॉलिक्यूल बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस जैसे कि यहाँ पर अगर बात करते हैं ये वाला C2H5 और ये क्या हो गया OH, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं Al2O3 की प्रेजेंस में और टेम्परेचर क्या है 523 केल्विन है, तो इस केस में हमें मिल जाएगा C2H5O और दूसरा हो जाएगा C2H5 और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा H2O हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट का भी यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। कि अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए हम इस मेथड का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने की सोचेंगे तो वहाँ पर अलग अलग तरह का हमें अल्कोहल लेना पड़ेगा, और अगर हमने अलग अलग तरह का अल्कोहल ले लिया तो उस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको देखिएगा, CH3OH को हमने रिएक्ट कराया C2H5OH और इसको हमने कैटलिस्ट का यूज़ किया Al2O3, टेम्परेचर रहेगा 523 केल्विन है, तो इस केस में आपको तीन प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा मिथाइल ऑक्सीजन मिथाइल, दूसरा मिलेगा CH3O C2H5 और तीसरा एक और मिलेगा C2H5O C2H5। मतलब कि तीनों प्रोडक्ट मिलेगा, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के चक्कर में हमें दो और अलग अलग तरह का ईथर मिल जाएगा और इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसी का मॉलिक्यूल इसी के साथ रिएक्ट कर गया, इसका मॉलिक्यूल इसी के साथ रिएक्ट कर गया और इन दोनों का मॉलिक्यूल क्रॉस रिएक्ट कर गया, तो एक ये देख सकते हैं कि जैसे कि ये वाला केस है कैटालिटिक डिहाइड्रेशन वाला केस, और साथ ही साथ पिछला वाला केस मैंने क्या बताया था, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड, वहां पे भी हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि जो पिछला वाला हमने आपको रिएक्शन बताया था वहां पे भी आप अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो मोटी मोटा बात ये होती है कि सिंपल मेथड का यूज करके हम अनसिमेट्रिकल ईथर आसानी से नहीं बना पाते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, वैसे इसका यहाँ पर रिएक्शन आपको मैकेनिज्म आपको देखना नहीं है, कैटलिस्ट का मैकेनिज्म है तो यहाँ पर इसको आपको देखना नहीं है, बस आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा और जो बातें मैंने लिखवाई उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है विलियमसन सिंथेसिस, और विलियमसन सिंथेसिस इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका यूज करके हम सिमेट्रिकल ईथर के साथ साथ अनसिमेट्रिकल ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस मेथड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर मेथड इज बेस्ट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईथर। अगर हमें ईथर बनाना है, चाहे जैसा भी सिमेट्रिकल बनाना है या अनसिमेट्रिकल बनाना है, चाहे जैसा भी ईथर बनाना है, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि इस मेथड में होता क्या है। इस मेथड में हम लोग एक एल्किल हैलाइड को लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किससे बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड से। हमने यहां पर क्या ले दिया, सोडियम एल्कोक्साइड। तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, हल्का सा यहां पर क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, ईथर का फॉर्मेशन मिल जाता है। वी विल गेट ईथर, हेयर विल गेट ईथर। और इस मैकेनिज्म का मेथड क्या है, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, सेम SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। देखिए कैसे, सबसे पहले जो हमने सोडियम एल्कोक्साइड लिया है,
जैसे कि ये आर ओ एन ए, ये एन ए प्लस है और यहां पर ओ पे नेगेटिव है। इसको जब हम लोग मीडियम में डालते हैं, किस में डालते हैं बेटा, मीडियम में, तो मीडियम में ये जो है वो आपका आयनाइज कर जाता है और बनाता है आर ओ माइनस प्लस एन ए प्लस। आर ओ माइनस जो है वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यही न्यूक्लियोफाइल जो है वो एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा। जैसे कि यहां पर हमने ले लिया एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड को अटैक कराएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल जो हमने यहां पर बनाया है। न्यूक्लियोफाइल हमने क्या बनाया है, न्यूक्लियोफाइल हमने बनाया है आर ओ माइनस। तो ये आर ओ माइनस है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, और बदले में एल्किल ग्रुप और हेलोजन का बॉन्ड क्या करेगा, टूटना स्टार्ट करेगा। और जब ये टूटना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमें मिल क्या जाएगा, आर ओ आर का फॉर्मेशन होगा प्लस X माइनस रिलीज करेगा। जो X माइनस रिलीज किया है वो Na प्लस के साथ जुड़ कर क्या बनाएगा, NaX का फॉर्मेशन बनाएगा। वैसे NaX बनता नहीं है, मीडियम में NaX आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। सो दैट इज द केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री का होता है। मतलब कि जब ये आपस में जुड़कर इसमें कन्वर्ट होता है तो बीच में एक हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलता है जिसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म आपके NCERT के बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, विथ प्रॉपर डायग्राम, और डायग्राम में भी अच्छा खासा कलर का इस्तेमाल किया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको समझाया है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर रिवाइज करिएगा, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, अब इसी में कुछ बात कर लेते हैं, लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा अच्छा लिमिटेशन यहां पर है और जो कि हमें जानना है। सिंस मैकेनिज्म इज SN2, सो इट इज अ स्टेरिक फैक्टर विच विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। स्टेरिक फैक्टर यहां पे लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। न्यूक्लियोफाइल को एक एटम मॉलिक्यूल पे अटैक कराना है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है तो उस केस में ईथर ना बनकर एल्कीन का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। किसका फॉर्मेशन बनना जाता है, एल्कीन का। जैसे कि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड हम लोग लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात है एल्किल हैलाइड हमारा क्या होना चाहिए। तो जो एल्किल हैलाइड हम लोग लेंगे वो कौन सा लेंगे, वन डिग्री लेंगे, शुड बी वन डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ टू डिग्री एंड थ्री डिग्री आर एक्स, अगर हमारे केस में अगर टू डिग्री और थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाता है तो एलिमिनेशन डोमिनेट्स, एलिमिनेशन को, एलिमिनेशन क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा। और जब एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, और इसके पीछे कारण क्या है, एल्कोक्साइड आयन खुद ही कारण बन जाता है। मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल का हम लोग अटैक कराते हैं वही कारण बन जाता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के होने की वजह से वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना कर किसकी तरह काम करने लगता है, बेस की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह काम करेगा बेटा, बेस की तरह काम करेगा। जो एल्कोक्साइड आयन है ये आर ओ माइनस, ये एक तो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ही करेगा, पर साथ ही साथ ये जो है वो बेस की तरह भी काम करेगा। और जब ये बेस की तरह काम करता है तो ये रिएक्शन देना स्टार्ट करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो ये रिएक्शन देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो कंडीशन के हिसाब से काम करता है। अगर मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है
तो वो अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएगा, और वहीं अगर मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो न्यूक्लियोफाइल की जगह वो बेस की तरह काम करना लगेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन को कॉज करेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर लिया CH3O Na हमने लिया और इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं CH3Cl से, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा सिंपल वाला, SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करेगा, और SN2 रिएक्शन को फॉलो करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3O और CH3 नॉर्मल है। वहीं अगर हमने यहाँ पर CH3ONa ले लिया और इसको हमने रिएक्ट करा दिया इससे CH3 थ्राइस C और Cl, तो इस केस में यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 बन जाएगा, मतलब कि ईथर बने ही नहीं, क्या बन गया बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे ये एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो अगर 2 डिग्री है, जैसे कि अगर इनकेस 2 डिग्री है, बच्चे सोचते हैं कि ठीक है सर 1 डिग्री में ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 डिग्री में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 डिग्री में क्या होगा, तो 2 डिग्री में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ईथर भी मिल सकता है और एल्कीन भी मिल सकता है, जहां पर एल्कीन जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा और ईथर कम अमाउंट में मिलेगा, जैसे मैंने आपको पिछले केस में बताया था। तो चलिए इसको हम लोग और डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि अगले स्लाइड में कुछ है, क्विज है, क्विज को अभी हम लोग बाद में देखेंगे, इसी को हम यहाँ पे मिटाते हैं। देखिए कैसे यहां पर एलिमिनेशन हो गया उसको समझते हैं। ये हमने लिया था CH3ONa प्लस नेगेटिव, सबसे पहले ये आयनाइज करेगा और आयनाइज करके बनाएगा CH3O- और Na+, जो CH3O- है, CH3O- है, इसको हमने क्या किया अटैक कराया किससे, टर्शरी एल्किल हैलाइड से, किससे बेटा टर्शरी एल्किल हैलाइड से, तो यहाँ पर CH3 कर दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया और यहाँ पर Cl कर गया। अब ये क्या है कि एल्कोक्साइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और यहाँ पर किसकी तरह काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर काम करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि Cl अपना माइनस साइड इफेक्ट लगाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर को डेवलप करेगा। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इसको कार्बन पे अटैक करना है, सेंटर वाले कार्बन पे अटैक करना है। तो क्या सेंटर वाले कार्बन पे अटैक करना इसके लिए पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कार्बन के आसपास देखिए मिथाइल ग्रुप है, एक बल्की ग्रुप है, और इस बल्की ग्रुप की वजह से यहां पर क्या बन जाएगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, यहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस काफी अच्छे लेवल का दिखेगा, तो इसको इसके अंदर से घुस के जाना है। अब क्योंकि यहाँ पर मोटे मोटे ग्रुप बैठे हुए हैं तो इसको कार्बन पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, पर CH3O- को या फिर एल्कोक्साइड आयन को किसी ना किसी पे तो अटैक करना है। तो ये सोच रहा है कि अगर हम कार्बन पे अटैक नहीं कर सकते हैं तो क्या हम किसी और पे अटैक कर सकते हैं, तो इसको एक ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पर किसी भी मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन पे ही अटैक कर सकता है। और जब ये मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन पे ये अटैक करेगा तो ये किसकी तरह काम कर गया, ये बेस की तरह काम कर गया। बेस क्या होता है,
H प्लस आयन एक्सेप्टर होता है, तो ये बेस की तरह काम करेगा। जैसे ही ये बेस की तरह काम करेगा तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट कर यहाँ पर क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जब यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा तो कार्बन का पांच पांच बॉन्ड यहाँ पे दिखने लगेगा। क्या कार्बन अपना पांच बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता है। तो कार्बन क्या करेगा, जो कमजोर बॉन्ड है उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे कमजोर बॉन्ड किसका बन रहा है, कार्बन और क्लोरीन का बन रहा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड काफ़ी अच्छे लेवल का पोलर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये टूटेगा। और जब ये टूट के निकलेगा Cl- आयन, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, हमें यहाँ पे मिल जाएगा CH3OH मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका CH3 था, ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और नीचे जो होगा वो CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर और क्या निकल गया बेटा, Cl- निकल गया, और Cl- जो है Na+ के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर देता है। तो समझ में आ गया होगा कि कब एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। जब हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है तब एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है और बेस की तरह काम करता है। जब हिंड्रेंस कम है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड के केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्किल हैलाइड क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर एल्किल हैलाइड प्राइमरी है तो वहाँ पर हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करा सकते हैं, और सेकेंडरी और टर्शरी है तो उस केस में ईथर का फॉर्मेशन हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एल्कोक्साइड आयन को हम लोग चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं बेटा, एल्कोक्साइड आयन को हम लोग चेंज करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा और आज की क्लास यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे तो क्वेश्चंस को हम लोग कल स्टार्टिंग में ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में जब भी हम लोग मिलेंगे, कल की क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे, तो कुछ क्विज से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा हुआ है तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे विद प्रॉपर क्वेश्चंस। तो आज के लिए हम इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।